को भी ले लेना। लाइव है सुमा शेयर कर फटाफट। लाइव है टीम रोहित पे लाइव है। हेतन जी 130 क्लासेस के अच्छा शी इज योगा टीचर और बहुत से लोगों को उन्होंने योगा की ट्रेनिंग दी है। 130 क्लासेस वो चलाती है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हेतन जी सोमनाथ गुजरात से है, प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हेतल गोस्वामी फ्रॉम गुजरात। आई रिक्वेस्ट डिग्निटीज टू प्लीज बी ऑन सीट। यस प्लीज टेक अ सीट मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेस्टीजियस टाइम। नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्पीच। आई रिक्वेस्ट विकास जी, प्लीज कनेक्ट विकास जी। वी आर वेलकमिंग यू विकास सर, आपका स्वागत है विकास रावत जी। थैंक यू। हेलो विकास सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है बट मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। ओके आप दिखाई दे रहे सर? नो हाँ अब आप दिखाई दिए दे रहे। ओके ये हमारे ग्लोबल गार्नर के सीएमडी हैं मिस्टर विकास रावत, जो आज हमारे सामने आपका स्वागत है सर इंटरनेशनल वुमेन डे की तरफ से। सो कुछ शब्द आपकी तरफ से हम चाहेंगे हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सो विकास सर माय गाइस वी ऑन यू, सो प्लीज व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक आउट प्लीज। ओके थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव है फेसबुक पे। आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इटसेल्फ मुझे वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। आई थिंक वुमेन आर द पिलर्स ऑफ दिस सोसाइटी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्वाति, बहुत दिनों से आप लोगों के पास आप लोगों के सेशन में नहीं आई हूँ क्योंकि मैं वी वुमेन Today we are empowering almost 70,000 lives. Where we are helping everybody with business. Sapna ji aap bolo live hai. Can diversify. So I think we all can come together and hello बहुत प्राउड हो रहा है हमें, तो हम यही चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे आओ और हम सब फिर मिलके मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है। आई विल टेक ऑल द ब्लेसिंग्स ऑल द एम्पावरमेंट फ्रॉम ऑल द लेडीज सिटिंग आउट देयर। हेलो प्लीज ब्लेस अस इन आवर मिशन, सपोर्ट अस एंड प्लीज ज्वाइन आवर मिशन। धन्यवाद। Hello, I'm Brand Ambassador Shikhar Shah. We are in it to win it.
जी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेस्टीजियस टाइम सर. हेलो एवरीवन, आई एम यहाँ आने से पहले 10 बार हम लोग सोच रहे थे, बट यहाँ आके इतना प्राउड फील हो रहा है और इतनी अच्छा मोमेंट है, और मैं चाहूंगी नेक्स्ट टाइम कोई भी इस मोमेंट को मिस ना करे, सबको यहाँ आ रहा है. सबको एक साथ आना है, अकेले अकेले नहीं, सबको एक साथ आना. बिल्कुल. ये हमारे नैनेस भी बाहर से कट है. हेलो गुजरात सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ. इधर इंटरनेशनल वुमन डे के लिए मैडम को लेके आया हूँ. बहुत बढ़िया इधर माहौल है, और इतना देखा कि यहाँ के प्रशासन है वो सभी महिला ही है. देखो आपकी घर ओ बुलाऊं ना मैडम, आसन थोड़ी देर बात कर रहा हूँ. ओ रमेश जी मैडम बुलाऊं ना, आसन बुलाओ मैडम. I request Dimple ji to come on the stage. I request Neelam ji to come forward. Zordar taali honi chahiye guys. छेड़ देते हैं थोड़ा सा और फिर बहुत पीछे हो जाते हैं. ऐसी ही हमारी नीरज मैम है जो अब आ गई हैं, हमारी तहसीलदार मैडम है शिवगंज की. नीरज मैम प्लीज आगे आइए, वेलकम. कैसे हैं आप? बहुत डिले तो हो गया, लेकिन अभी वेलकम यू मैम, प्लीज आइए. नीरज मैम का निकालिएगा. ये सारे इवेंट के पीछे यही है. एक मकान जी प्लीज यू टू कम ऑन स्टेज. आप We are feeling so proud today.
इसको बोल थोड़ा वॉल्यूम तो बेटा साउंड का। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये हैं, सभी जानते हैं गोस्वामी मैम को। तो कैसा लग रहा है आपको आज अवार्ड लेके? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, पहली बार मैं पहले अपना ताज बजा लूं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। जो नहीं आए ना उसको अफसोस होने वाला है, इतना बढ़िया इवेंट रहा है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में ये मैम है, ये भी हमारे गुजरात से हैं। तो मैम आज आपको ये अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में बताइए। बहुत बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, अच्छा और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा यूनिक और वंडरफुल फीलिंग हो रही है कि हम आज इस इवेंट का हिस्सा बने हैं और वो ऐसी कंपनी से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है जो इनकी जिसके हम ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो बहुत ही आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। मैं हर लेडीज को कहना चाहूँगी जिंदगी में कुछ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको मिस कभी भी मत करो, उसको एक्सेप्ट करो और अपनी एक अलग पहचान बनाओ और लेडीज अपनी शक्ति को पहचानो। थैंक यू, थैंक यू सर। सही बोला आपने, ये लेडी सिंगर है और इस इवेंट का बहुत मीडिया आज ना बहुत 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 खुश हो रही हूँ मैं कि ऐसा शायद नहीं आती तो ये स्टेज मुझे मिलता ही नहीं। बहुत बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों ये हमारे जामोली के प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये आपको कुछ कहना चाहते हैं आज ये लेडीज वुमेन्स का जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हालांकि ये 8 तारीख को आता लेकिन 3 तारीख को 8 तारीख को होली के हिसाब से आज के दिन ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो साहब आप अपना नाम बताइए। देवीलाल। अच्छा कहाँ से है? भिलवाड़ा से। अच्छा क्या काम करते हैं? किसान, खेती का काम करते हैं, फार्मर। तो ऑन पैसी में आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। तो आज यहाँ आके क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ था। अच्छा हुआ ना। ओके साहब, ओके। तो दोस्तों ये हमारे जो जामोली टीम के हैं लोग, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे मां साहब जी हैं, ये रमेश जी है। तो ये हमारे नैनेश भाई, नैनेश भाई क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो किया वो सही है,
और मैं डिजर्व करती हूं। महिला एम्पावरमेंट वुमेन्स डे पे इकट्ठा हुए हैं, हर बार ये सोच कर के अच्छा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, उनके पीछे बैकअप लोग तो जाए भाड़ में काफी रोक दे। तो हमें जो सपोर्ट करते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम पर विश्वास होना चाहिए कि हमने जो काम किया या हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फैमिली अगर पीछे से सपोर्ट कर रही है तो उसके बाद में अपन को वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सिर्फ वो बैक सपोर्ट जो है वही उनको आगे ले जा सकता है। आज यहाँ इस हॉल में मुझे बहुत सारी लेडीज दिख रही हैं, तो हर लेडी के पास में एक साहस है, एक हिम्मत है, तब वो निकल करके घर से बाहर आती है, और एक पीछे का विश्वास, परिवार का जो विश्वास है वो उसको आगे लेके जाता है। जैसे कहते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल मैन के पीछे एक सक्सेस एक वुमेन होती है, वैसे ही हर कोई ना कोई पुरुष जरूर होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे उसके पिता के रूप में, चाहे उसके पति के रूप में, चाहे उसके भाई के रूप में, इवन उसके बेटे के रूप में। बहुत बार ऐसा भी है, मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं कि उन महिलाओं ने तब अच्छा काम किया जब उनके बेटों ने उन्हें सपोर्ट किया। तो हमें गर्व है उन पुरुषों पर जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं का सहयोग करते हैं, और हमें गर्व है कि हम महिलाएं हैं। थैंक यू मैम, आप यहाँ पधारे, सो हैप्पी। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस स्वाति गोयल टू कम ऑन द स्टेज। तालियां बजनी चाहिए, स्पीच है, इट्स लाइक अ रिमाइंडर। थैंक यू सो मच सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं, इतना बड़ा मुझे सम्मान मिला है तो मेरा मन हुआ कि मैं कुछ, इतनी सारी नारी है यहाँ पर, तो कुछ शब्द बोलूँ, कुछ लाइनें बोलूँ। तो कुछ लाइनें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि अब नहीं सहना है किसी का भी अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार। नमस्ते हमागणी, मैं स्वाति गोयल सिलवासा दमन दीव से आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ, और जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आज बैठी हुई हैं सभी को स्वागत करती हूँ, और जितने भी मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अपना मूल्यवान जो समय हम लोगों को दिया है, और हमारा जो हिम्मत बढ़ाई है, पावर बढ़ाई है, एक कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों को यहाँ पे बिल्डअप करके हम लोगों लेकर जाने वाले हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है आने वाले फ्यूचर में। तो यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि नारी, आज का दिन बहुत नारी के लिए बड़ा होता है हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो स्कूल्स हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह नारी को बहुत सम्मान से सम्मानित किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। पर क्या नारी के इतिहास से लेके अब तक नारी के जीवन में सच में बदलाव हुआ है, या अभी और भी सुधार की जरूरत है? इन लाइनों पर मैं अपनी बातों पर कुछ इतिहास और अब तक की जर्नी पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी अपने शब्दों में। नारी के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे सभी जानते हैं, लेकिन नारी को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, कामिनी, वरिणी, रुक्मणी, नारी, स्त्री, कांता, बहुत नारी और औरत। मैं वो औरत हूँ जो इतिहास में दूर कहीं बिना किसी दोष के वन में छोड़ दी जाती हूँ, तो कहीं पांच पतियों को सौंप दी जाती हूँ, तो कहीं पर जुए में हार दी जाती हूँ, कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, तो कभी पत्नी। हर किरदार में, हर रूप में ही तो मैं छली जाती हूँ, फिर भी मैं सशक्त हूँ। कई लोगों का ये मानना है कि औरत कभी भी सशक्त नहीं हो सकती, कभी भी उनको अपनी, उनकी शक्ति का एहसास ही नहीं होता, लेकिन उनको उनकी शक्ति का एहसास कराना पड़ता है। पर मैं ये बता दूँ
कि उनको उनकी शक्ति इतनी सक्षम होती है कि वो अपने आप को सक्षम बना सकती हैं। अब मुझे भय तब लगता है मुझे भय तब लगता है जब निर्भया कांड के अपराधियों को 7 साल लग जाते हैं सूली पर चलाने में। मुझे भय तब लगता है जब प्रियंका रेड्डी के अपराधियों को पुलिस तो सजा दे देती है लेकिन कानून पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। मुझे भय तब लगता है जब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई के पढ़ाई के सपनों को त्याग कर अपनी माँ के साथ कहीं दूर घरों में काम करने चल देती है। लेकिन मुझे तब भय लगता है जब एक अजन्मी बच्ची अपनी माँ की कोख में अपने जीवन का दान मांगती है। तब मुझे बहुत भय लगता है और तब मुझे इस महिला सशक्तिकरण अभियान में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तब मुझे लगता है क्या ये मेरा सपना कभी पूरा हो पाएगा। लेकिन तभी मुझे इस अंधकार में एक बहुत बड़ी आशा की किरण तब नजर आती है जब मेरे देश में मिस इंडिया के रनर अप के रूप में मान्या सिंह खिताब जीत कर लेकर आती हैं। मुझे तब गर्व महसूस होता है जब पीवी सिंधु विश्व चैंपियन के खिताब जीत कर लाती हैं और मुझे महिला होने पर तब बहुत गर्व महसूस होता है जब मेरे देश के वित्त मंत्री पद पर पहली बार मेरी कोई महिला विराजमान होती है। तब मुझे महिला होने पर बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे गर्व तब महसूस होता है जब भावना कांत जैसी महिला फाइटर प्लेन उड़ाती है तो वहीं भावना कस्तूरी गणतंत्र दिवस के परेड को लीड करती है। तब मुझे महिला होने पर बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे गर्व तब महसूस होता है जब यहाँ पर रेखा मटिया जैसी महिला हम लोगों के लिए इतना बड़ा समारोह आयोजन करती है और हमें आमंत्रित करती है। तब मुझे बहुत गर्व होता है अपनी महिला होने पर। मुझे महिला होने पर तब बहुत गर्व महसूस होता है जब मेरे ऑनरेबल गेस्ट जो महिलाएं बैठी हुई हैं कानून के इतने बड़े बड़े पदों पर और मेरे देश के कानून को बड़े गौरव के साथ ऊपर लेके जाती हैं। तब मुझे महिला होने पर बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे गर्व तब महसूस होता है जब मेरे देश की बेटी 23 वर्षीय आरोही पंडे हिंद महासागर को जीत कर पार कर कर मेरे देश के झंडे को फहराती है। तब मुझे लगता है कि मेरे इस महिला सशक्तिकरण अभियान में हर जगह रोशनी ही रोशनी है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक थोड़ी सी मानसिकता की और थोड़े से कानून में बदलाव की। कुछ लोगों का ये मानना है कि हिंदुस्तान की औरतें बहुत रूढ़िवादी होती हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन दो कदम पीछे चलती हैं और बराबरी का दर्जा चाहती हैं। पर मैं उनको बता दूं कि हिंदुस्तान की जो औरत है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जब उसके पति के कदम लड़खड़ाएंगे तो उसको संभालने का हौसला सिर्फ और सिर्फ मुझी में है। मैं दो कदम पीछे चलती हूँ और रूढ़िवादी नहीं हूँ। आज जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं, हम लोग, मैं दमन दीव से आई हूँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आज ये घर से लेके इस समारोह तक का जो सफर है वो एक हमारी एक नई किरण है जो कि आज हम लोगों को मिल चुकी है और आज इस समारोह से हम लोगों को बहुत सम्मान मिला है और हमें यहाँ से अपने इस सम्मान को बहुत बड़ी किरण बनाकर इस देश में फैलाना है। ये हमारी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं ये मानना चाहूंगी। उसके बाद मैं एक चीज और बोलूंगी कि मान सम्मान और अधिकार हम सबका समान दावेदार हैं। मान सम्मान और अधिकार हम सब सम्मान दावेदार हैं। अब हालत नहीं हालात बदल दो, अब हालत नहीं हालात बदल दो। ढाल थी जो तू अब तक, बनना अब तुझको तलवार है। अपने उद्धार के लिए सिर्फ और सिर्फ तू ही जिम्मेदार है। अपने उद्धार के लिए सिर्फ और सिर्फ तू ही जिम्मेदार है। अंत में मैं बस इतना ही बोलूंगी कि हो सवेरा तो मेरे साथ चलो, हो ख्याल तो मेरे साथ चलो। मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लिए, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच कार्तिक जी। नाउ आई वुड लव टू रिक्वेस्ट our guest, our awardee,
गंगा कलावन जी टू कम ऑन द स्टेज. क्या बात है गजब. मैम वी आर सीकिंग योर ब्लेसिंग्स योर वर्ड्स. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गंगा जी के लिए. प्राउड ही प्राउड. इतना अच्छा माहौल, इतना खूबसूरत ये सारा जो मंजर है वुमेन्स डे का, बहुत खुशी है. हमारे बीच बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर पूरे इंडिया के विराजमान हैं यहाँ और काफ़ी दूर दूर से बना रहे हैं. पहले तो मैं इस जिले की शिक्षा अधिकारी, मेरा नाम गंगा कलावंत है. मैं मेरी तरफ से, मेरे विभाग की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत बहुमान करती हूँ. बहुत बहुत स्वागत है आपका. इतना दूर से आप समय लेके यहाँ पधार रहे हैं, बहुत खुशी की बात है. दूसरा, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है हमारी रेखा मैम ने, तो रेखा मैम को मैं बहुत पहले से जानती हूँ. आप बहुत अपने फील्ड में माहिर रही हैं. आप शिक्षा विभाग में एज ए शारीरिक शिक्षक थी, तब से मैं आपको देख रही हूँ, बहुत एक्टिव. और उसके बाद भी कहते ना, हम थकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं. और निरंतर आप जो प्रयास करके इस लेवल तक आए हैं वो भी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. और इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसकी थीम हमारे बीच विराजमान है,